आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से। मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। कोरोना का प्रकोप कम होने पर शासन ने 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में पठन पाठन शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत बुधवार को स्कूल खुलने के साथ ही रौनक बढ़ गई। वैसे 2 वर्ष से कोरोना जैसी बीमारी का दंश स्कूली छात्र झेल रहे हैं। नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद हुए करीब 2 साल बीत गए हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है। कक्षा 6 से लेकर 8 के स्कूल मार्च माह में खोले गए। अप्रैल माह में कोरोना का प्रकोप तेज हुआ तो सभी विद्यालय फिर से बंद कर दिए गए। तब से अभी तक विद्यालय बंद चल रहे थे। बीच में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के पठन पाठन के निर्देश दिए गए। इसके बाद 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों का संचालन शुरू हुआ। उसके बाद 1 सितंबर से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूलों का संचालन शुरू हुआ। आज हम मुरादाबाद के पुलिस मॉडर्न स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योति सिंह से हुई एक मुलाकात के माध्यम से आपको प्रधानाचार्य के विचारों से अवगत करा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं PMS पुलिस मॉडर्न स्कूल 9th नवी वाहिनी की प्रिंसिपल हूँ। और जिस तरीके से कोविड में बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ा है, मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा है, मेरे टीचर्स का मेरा, कि हम लोगों ने जिन बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं थे और कोविड पीरियड में वो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए थे, हमने उन लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास किया था कि जो बच्चे किसी टीचर के आसपास रहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से काम पूरा करके उनसे समझ लें, टीचर उन्हें समझा दे। कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके घर टीचर्स ने जाके समझाया है पूरी प्रिकॉशंस लेके, और जिनका कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, हमने कुछ कुछ दिन फिक्स किए। उन दिनों में वो बच्चों ने आके कम से कम 2 घंटे से 5 घंटे तक उन पूरे अपने काम को समझा है और उस पढ़ाई को समझ के फिर घर में जाके रिवाइज किया है। तो इससे जो लैग हो रहा था बच्चों का कि वो पढ़ाई में मोबाइल ना होने की वजह से, कम्युनिकेशन डिवाइसेस ना होने की वजह से, वो एक दूरी को थोड़ा कम करने की कोशिश करी है। और अब तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो हमने जो कोर्स इस साल ऑनलाइन पढ़ाया था उसको एक क्विक रिवीजन में डाल दिया है। तो वो टीचर उसको रिवाइज करवा रहे हैं, दोबारा से पढ़ा रहे हैं एक तरीके से, और नया कोर्स भी साथ में चला रहे हैं। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।